हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइज इडली सांभर। इडली सांभर बनाने के लिए गाइज मैंने ली है अरहर की दाल, जिसको तुअर दाल बोलते हैं। इसको मैंने आधी कटोरी इसको भिगो दिया था 15 मिनट पहले। और बैगन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इस तरीके से काले ना हो तो पानी में ही कटिंग करनी चाहिए। और मैंने लिया है बारीक कटा हुआ कद्दू और लौकी। तो गाइज तुअर दाल के लिए 2-3 पानी से धो लेंगे, और कद्दू और लौकी और बैगन दोनों को मिक्स कर लेंगे तीनों को। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से। सो गाइस सब्जियों को धो लिया है, कद्दू लौकी, और आप चाहें तो गाजर ले सकते हैं, गाजर मैंने नहीं लिए। और मैंने छोटे छोटे पीसों में लौकी के पीस कर लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिए हैं। और अरहर की दाल को, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, इसको भी मैंने धो लिया है। एक कुकर लेंगे और कुकर में डाल देंगे अरहर की दाल। इसमें डाल देंगे सब्जी, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और इसमें डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार नमक। दो से ढाई गिलास पानी, 2.5 से 3 ग्लास समथिंग पानी ऐड कर देंगे गाइस, और उसका ढक्कन लगा देंगे। इसमें लगाएंगे सीटी, गैस को ऑन करेंगे और इसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। और गैस को हाई फ्लेम पर रखना है, और इसमें समथिंग 6 सीटी लगानी है। 6 सीटी के बाद मिलते हैं गैस आधे घंटे के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका है, 6 सीटी आ चुकी है इसमें। अब खोल के देखेंगे कि सांभर कैसी बनी है। तो गाइस सांभर बन के तैयार हो गई है। अब सांभर में आप देख सकते हैं कि सब्जियां जो हैं इसमें इस तरीके से चला देंगे मथानी, और इसको मिक्स कर देंगे सब्जियों को। सब्जियां मिक्स हो गई हैं। सांभर में मैं खट्टापन लाने के लिए डाल देंगे इमली। सांभर में गाइस डालेंगे सांभर मसाला। इसको खोल लेंगे, और सांभर मसाला से टेस्ट गाइस बहुत टेस्टी आता है। और इसको चलाएंगे। अब इसमें लगाएंगे गाइस तड़का। तो सांभर गाइस बनके तैयार हो गई है, बस इंतजार है तड़के का। तड़का लगाने के लिए गाइस गैस को ऑन करेंगे, और लोहे वाला तवा रखेंगे, और तभी अच्छे से पोंछ लेंगे। इसमें डालेंगे कड़वा तेल। तड़का लाने के लिए गैस ऑयल गर्म हो गया है, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसमें डालेंगे जीरा, हींग, काली राई ले सकते हैं, या फिर पीली सरसों जैसे बोलते हैं वो डाल देंगे। तो गैस को ऑफ कर देंगे। नहीं तो ये राई जो है उछलती है। और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब तड़का तैयार हो गया है, सांभर में तड़का लगा देंगे। सांभर गैस गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी गैस गरम डालिएगा, ठंडा नहीं। तो परफेक्ट सांभर बनके तैयार हो गई है। सांभर को सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए कटोरा लेंगे। इस तरीके से गैस सांभर बना सकते हैं। सांभर बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है इडली के साथ। तो गाइज आपको सांभर की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सांभर खाइएगा इडली के साथ। तो गाइज अब चलते हैं इडली बनाने के लिए। इडली कैसे बनाएंगे मिस नहीं कीजिएगा गाइज, पूरी वीडियो देखिएगा, और तब तक खाइएगा सांभर।